बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, पीआरसी 4 में हमारा चैप्टर नंबर 1 दैट इज अकाउंटिंग फंडामेंटल पे बात हो रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमने चार हेड्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर हमने डिटेल में बात कर ली थी, दैट इज एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस तक। आज जो है लास्ट हमारा हेड ऑफ अकाउंट दैट इज रेवेन्यूज के ऊपर हम बात करेंगे। जो पांचवा हेड ऑफ अकाउंट है That is revenues, or you can say that income. तो इस पांचवे head of account की जो अगर मैं आपको definition या इसकी meaning बताऊं, revenues are generated from revenues are generated from the sales of goods. जिस चीज का आप कारोबार कर रहे हो, अगर आपने उन गुड्स को जो है बेचा तो डेफिनेटली उससे रेवेन्यू जनरेट करोगे, उसको प्रॉफिट ऐड करके उसमें कुछ कॉस्ट में प्लस करोगे, कुछ अमाउंट उसके बाद बेचेंगे। रेवेन्यूज आर जनरेटेड फ्रॉम द सेल्स ऑफ गुड्स and rendered services. याद रखिएगा, आपके पास goods बेचने पर या services provide करने से revenues generate होती हैं। For example, आपके पास आ गया सेल्स कमीशन इनकम। अब आपने कहीं पे जो है कोई काम करवा के दिया है, कोई डील फाइनलाइज हुई है तो उसके ऊपर आपको कमीशन मिला है। आपने कहीं पे जॉब पे लगे हो तो सर्विस इनकम मिलेगी एट द एंड ऑफ द मंथ, या अगर आप गुड्स सोल्ड आउट कर रहे हो तो आपको सेल्स होगी रहनी, यानी कि आपने उस गुड्स को बेचा है, मैन्युफैक्चरिंग करके बेचा है या ट्रेडिंग करके रिटेल पे बेचा है, तो उससे आपको सेल जनरेट होगी। तो ये आपका पांचवा हेड ऑफ अकाउंट दैट इज रेवेन्यूज और इनकम विच आर जनरेटेड फ्रॉम द सेल्स ऑफ गुड्स। दो ही तरीकों से आपके पास रेवेन्यू जनरेट हो सकती है, सेल्स ऑफ गुड्स और रेंडेड सर्विसेज। अब जरा एक और चीज जरा देखिएगा इसके अंदर, हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है पांचवा हेड ऑफ अकाउंट जो है कंपाइल करे, अगर आप देखें तो आपके पास पहले हेड का नाम था एसेट्स, जो हमने सीक्वेंस पढ़ी थी अल्सर की, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज। अब मेरा सवाल आपसे यह है, अगर आप इसके ऊपर जरा फोकस करो तो आपको हमेशा समझ में आ जाएगा। एसेट की हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी बच्चों, एसेट की डेफिनेशन पढ़ी थी रिसोर्सेज, ऑल द रिसोर्सेज इन द बिजनेस इज कॉल्ड एसेट, उसकी टेंजिबल इनटेंजिबल जो डिटेल में बात करी थी, बट टेंजिबल एसेट और सब डिवाइड हुए थे, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, सारे एसेट आपने जो है वो बिजनेस में लगा दिए सारे। अगर वो एसेट बच्चों कम पड़े तो आपने बोरो कर लिए, बिजनेस के बोरो कर लिए आपने फ्रॉम द बैंक, फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन, किसी दोस्त से, किसी रिश्तेदार से पैसे ले लिए। अगर वो रिसोर्सेज जो है एसेट्स कम पड़े तो आपने किसी से उधार भी ले लिए, यानी सारे रिसोर्सेज इन द बिजनेस लग गए, कम पड़े तो आपने दूसरों से ले लिए, ओनर से जो है जितने भी रिसोर्सेज थे वो ओनर अपने सारे लेकर आ गया, यानी एसेट्स भी हो गया, उधार भी ले लिया, ओनर भी ले आया। दुनिया जहां के आपने एक्सपेंसेस कर दिए। अब अगर आप समझो, आपने एसेट्स लगा दिए, लायबिलिटीज लगा दी, कैपिटल ओनर ले आया, दुनिया जहां के आपने जो है एक्सपेंसेस कर दिए, आई मीन टू से दैट रेवेन्यूज जनरेट करने के लिए, यानी ये जो पांचवा हेड ऑफ अकाउंट को अर्न करने के लिए, अगर आप समझो
इस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए सारे काम हुए थे। दुनिया जहां के एसेट लगा दिए, कम पड़े तो आपने बंदे ने जो है लाइबिलिटीज ले ली, बैंक से लोन ले लिया, अपने जाति इस्तेमाल की सारी चीजें घर से लेकर आ गया ओनर कैपिटल, जो जो रिलेटेड एक्सपेंसेस थे, जो जो उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और बिजनेस को रन करने के लिए जो जो एक्सपेंसेस कहे गए वो आपने कर लिए, सिर्फ इस पांचवे हेड को अर्न करने के लिए, या यूं कह लो कि रेवेन्यूज जनरेट करने के लिए। तो ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पांचों हेड्स ऑफ अकाउंट जो है इधर कंप्लीट आउट हुए, जिसमें एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज को हमने कंप्लीट आउट करा। अब हम इंशाल्लाह फर्दर इसके आगे जो है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, स्टूडेंट्स को इसकी सबसे अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छी तरह से ये पांचों हेड्स के अंदर डिफरेंशिएट करना अच्छी तरह आना चाहिए, जब जाके उसको वो डबल एंट्रीज जो है और जो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो स्टार्ट होगा वो जो है समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही काफी इंशाल्लाह, फिर नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बात करें। थैंक यू।